नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। सरनगर कोतवाली के अमर चौराहे के निकट कोई घटना हुई है, सराफा कारोबारी के कर्मचारियों से क्या है मामला पूरा? एक प्रतापगढ़ के सराफा व्यवसायी हैं, जिन्होंने देर रात कोतवाली पर एक सूचना दी कि उनके दो कर्मी 15-15 लाख रुपए लेकर जेवर खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे। जो प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर आए प्रयागीपुर और वहाँ से ऑटो से अमर जा रहे थे बस पकड़ने के लिए, जिनके साथ ये घटना घटित हुई। इसके संबंध में प्राथमिक जांच करके मुकदमा लिखा जा रहा है। उनकी तहरीर पर अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा जो उनके कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। उन्होंने जिस ई रिक्शा की बात की है उसकी तलाश की जा रही है। घटना के बारे में जो दोनों उनके कर्मी हैं उनके विरोधाभासी बयान हैं, लेकिन वादी की घटना की बात पर विश्वास करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके इसकी जांच विवेचना घटना के आधार पर बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 3 टीमें बना दी गई हैं, जो भौतिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य और इनका जो पूर्व इतिहास है उसके बारे में काम कर रही हैं।